चुनाव तो प्रदेश में संपन्न हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक बीजेपी में प्रवेश का सिलसिला जो है वो लोगों का रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी में भारी संख्या में चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले लोगों ने प्रवेश किया और अब लोकसभा चुनाव आने वाला है। लगभग आम आदमी पार्टी का हर बड़ा प्रत्याशी और हर बड़ा चेहरा यहाँ पर बीजेपी में प्रवेश करने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के लोग हैं और कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बीजेपी प्रवेश कर रहे हैं, क्या कुछ वजह है? वजह यही है कि हमने आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी के रूप में जयपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा, नाम है दुर्गालाल केवट, जो ईमानदारी से काम कर रहा, जनता लोगों से उसके योजना को लेकर हमने चुनाव लड़ा, वोट मांगा। लेकिन इस चुनाव में आम आदमी की पार्टी जो दिल्ली में रहते हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने हम सब प्रत्याशियों से, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से, प्रदेश अध्यक्ष लोगों से, तमाम अध्यक्ष लोगों से विश्वासघात किया। इसीलिए हम लोग उनका विचारधारा अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से हम आज जुड़ने आए हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की विचारधारा जो है वो अच्छी नहीं लगी, इसलिए दूसरी विचारधारा से जुड़ने आए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ और लोग हैं, विचारधारा अच्छी नहीं लगी इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आप कौन सी विचारधारा? मैं डॉक्टर प्रकाश ठाकुर। देखिए, बीजेपी की विचारधारा तो है एक, अपनी राष्ट्रहित की बात करते हैं और देश की बात करते हैं, क्षेत्र की बात नहीं करते हैं। तो क्षेत्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी था, दो स्थानों पर दो राज्य में सरकार बना लिया, विचारधारा की बात नहीं है, कार्य पद्धति की बात है। हम लोगों को लगा कि दो राज्य में यदि अच्छा कर रहे हैं तो हो सकता है, छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है तो यहाँ कुछ अच्छा करेंगे, और यहाँ अच्छे लोग जुड़े थे, जो भी लोग पूरे प्रदेश में पदाधिकारी बने सब पढ़े लिखे लोग थे, कुछ करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए। लेकिन बाद में समझ आए कि ये तो रिमोट से, दिल्ली से ही यहाँ का काम चलाना चाहते हैं। और इंडिया गठबंधन, केजरीवाल जी को लगा कि इंडिया गठबंधन में मैं शामिल हो जाऊँगा तो शायद मैं गिरफ्तारी से बच जाऊँगा, मुझे ऐसा लगा कि ये डर में इंडिया गठबंधन में चले गए, कुछ दिन बचा लिए। अभी भी उनकी इंडिया गठबंधन से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को बचाने के लिए वहां पर शामिल हुए। केजरीवाल जी के ऊपर यहां पे बड़ा इल्जाम उन्हीं के पुराने पार्टी के मेंबर लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बच जाऊंगा इसलिए वो शायद कहीं जा रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है बीजेपी में शामिल होने की और बीजेपी में ही क्यों शामिल हो रहे हैं? जी पहले तो सादर नमस्कार, मैं धर्म भार्गव, पूर्व आम आदमी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष एससी विंग से। हम लोग केजरीवाल जी के जो मॉडल है शिक्षा और स्वास्थ्य को देखकर छत्तीसगढ़ की जनता को वो सुविधा मिले, इसलिए हम लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे। मगर 2024 के चुनाव में माननीय केजरीवाल जी के निर्णय, इंडिया गठबंधन जिससे लड़कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी संघर्ष कर एक पार्टी बनाया था, किसके विरोध? कांग्रेस के विरोध, उसी के साथ गठबंधन में जाना छत्तीसगढ़ के जनता के लिए बहुत ही दुखदाई रहा। चुनाव भी लड़े हम लोग, मैं मस्तूरी से प्रत्याशी भी हूँ, चुनाव लड़े, बार बार हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक संदीप पाठक जी बोले कि 90 विधानसभा में पूरे दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, मगर चुनाव आते आते तक मुश्किल से 55 सीट में चुनाव लड़े। छत्तीसगढ़ की जनता जान गए कि ये लोग सिर्फ विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के हित में नहीं। ये विचारधारा को देखकर सबको मनोबल टूट गए, इसलिए हम आम आदमी पार्टी से त्याग पत्र देकर आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की देश हित कार्य को देखकर भाजपा ज्वाइन करने के लिए आज भाजपा कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। क्या लगता है कौन से ऐसे कदम रहे कि आप लोगों के सिर्फ 55 सीटों पर ही उतरे और अब नाखुश हैं? 55 सीटों पर उतारना या 90 सीटों पर उतारना, ये पार्टी का, आम आदमी पार्टी का इंटरनल मैनेजमेंट है। पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको ये, जब उन्होंने कह दिया, महारैली आयोजित करी, वहाँ लोगों को विश्वास में लिया, छत्तीसगढ़ के लोगों को, भोले भाले जनता को, कि यहाँ पर 90 सीटों में चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार आम आदमी पार्टी की बनाई जाएगी। लेकिन ये सब कहने के बाद, लोगों को भ्रमित करने के पश्चात, इन चुनाव के ठीक पहले 90 में से 45 सीटों पर उन्होंने टिकट दिया। उसके बाद जब हम लोगों ने कुछ विरोध किया कि सारे सीटों पर दीजिए, तो फिर कुछ और सीटों को बढ़ाकर 55 कर दिया। तो कुल मिला, और जितने भी पार्टी से जुड़े हुए थे, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनकी ये मंशा थी कि छत्तीसगढ़ का विकास हो,
चाहे वो आदिवासी हों, गांव में रहने वाले, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले जनमानस हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, अशिक्षित हों, किसान हों, सभी वर्गों के हित के लिए लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया था कि एक समुचित समन्वय बिठाते हुए विकास हो छत्तीसगढ़ का। लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया और अपने गठबंधन के, अपनी पार्टी को बचाने के लिए या पता नहीं, या अपने नेताओं को बचाने के लिए उन्होंने ये गठबंधन किया और उसके तहत इन्होंने आधे सीटों पर टिकट दिलाई और उसके चलते ये हुआ कि लोगों का विश्वास भरभरा कर टूट गया और पार्टी बिखर गई। तो यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो कह रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ विश्वासघात हुआ है। लेकिन हालांकि ये भी कहने वाली बात है कि इसके पहले भी आम आदमी पार्टी ने कई बार अपने प्रत्याशी उतारे और इनमें से बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे चुनाव में। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या होती है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।